हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 24 मार्च 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम विद स्ट्रैटेजी के डिस्कस करने वाले हैं। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइन एंड न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेंगी जिसमें हम सार को डिस्कस करेंगे, स्टेट में केरला को डिस्कस कर लेंगे, स्टैटिक जीके में यूनिसेफ को डिस्कस करने वाले हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इन उनके आंसर्स भी रहेंगे, डोंट वरी। एंड अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो थर्ड सीरीज ये रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो अब देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट जो है वो है क्या। एक अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बेकार नहीं होता है। अगर आपका ध्येय जो है वो बिल्कुल सत्य है और अच्छा है तो आपको कुछ भी शुरू करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये मत देखिए आज ये वार है, कल वो वार है, उसके बाद हम कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कल अच्छा मुहूर्त है, परसों अच्छा, ऐसा करते करते तो आप कभी भी अच्छा मुहूर्त नहीं छांट पाएंगे। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो अभी से ही शुरुआत कीजिएगा, मेहनत करते जाएंगे, फल आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, निश्चित है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। तो देखते हैं आज की वन लाइनर न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ है, बस 2020 के लिए विश्व जल दिवस के लिए विषय क्या रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा, विश्व जल दिवस मनाया कब गया है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके लिए थीम रही है वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोरोना विषाणु की महामारी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक संकेत स्थल शुरू किया है। तो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र जो है शुरू किया गया है। अब सार्क के बारे में अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, अब 1.2 पॉइंट अप टू डेट, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है जिससे आपको सार्क के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जितनी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय तेल कंपनी कौन सी है जिसने देश भर में VS फोर्थ ग्रेड ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी है। तो वो है इंडियन ऑयल निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्वतारोही कौन है जिन्होंने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई की है। तो वह है सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरो में प्रतिष्ठित WEF एक्सेप्शनल वुमन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। तो वो हैं वंदना यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने COVID-19 का पता लगाने के लिए एक सस्ती परीक्षण विधि प्रॉफ फ्री डिटेक्शन ऐसे विकसित की है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने एक COVID-19 का पता लगाने के लिए सस्ती परीक्षण विधि प्रॉफ फ्री डिटेक्शन ऐसे विकसित की है। अब जो भी न्यूजेज़ फॉर्म हुई है, न्यूजेज़ आज बहुत कम थी क्योंकि कल जनता कर्फ्यू था तो न्यूजेज़ हो नहीं पाई। ओके, हाँ जी, कंटिन्यू। इंटरनेट बंद नहीं था तो कुछ नोटिफिकेशंस आ गए, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट जो है कि अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। तो सार्क की बात हो रही थी तो कुछ पहले से शुरुआत में बात कर लेते हैं सार्क के बारे में। सार्क की फुल फॉर्म होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दक्षेस के सदस्य देश हैं। ओके, अब बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है काबुल। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी होती है टका। अफगान की जो करेंसी है वो है अफगानी, वेरी इजी है, तो आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। भूटान की कैपिटल होती है थिम्फू और यहाँ की करेंसी जो है वो है नगुल्ट्रम। भारत की तो कैपिटल आई थिंक सभी को पता होगी। मालदीव की कैपिटल होती है माले, वहाँ की करेंसी होती है रुपया। नेपाल की काठमांडू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, श्रीलंका की जो है कैपिटल वो दो हैं, जयवर्धने पुरेकोट्टे और कोलम्बो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई, मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में।
अब बात करेंगे विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1 जनवरी 1971 को ही। मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको तुरंत से मिल जाएंगी। वैसे काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, फिर भी आपसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम भी उसके ऊपर और अच्छा काम कर पाएंगे। ओके, एंड आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पर भी हमारा तैयारी बिगनर्स की के नाम से ही चैनल मिल जाएगा और मोस्ट हम कोशिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं कि वहाँ अभी सर्च बार में नहीं आ रहा है चैनल। ओके, तो हम उसकी जो लिंक है वो हम देने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड आप हमारे शेयर चैट और डेली मोशन वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तैयारी बिगनर्स की के नाम से ही सब जगह हमारा अकाउंट मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे क्लास की PDF आपको मिल जाए। एंड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको वहाँ फॉलो भी करना है और ऑडियो रिविज़न करना ही करना है। खबरी ऐप पर आपको ऑडियो रिविज़न भी करना है और वहाँ से फॉलो भी कर लेना है। अब बात कर लेंगे न्यूज़ की, क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव और अर्धचालक की डिलीवरी श्रृंखला का निर्माण करने वाले सामानों के निर्माण के लिए 25% पूंजीगत व्यय का आर्थिक प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी है। योजना की कीमत लगभग 385 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 3252 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पर्व्यय, 32 करोड़ रुपए का प्रशासनिक व्यय शामिल है। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के निर्माण के लिए बढ़ावा देने को योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब स्थगित कर दिया गया है तो वो तो आपको पता ही, क्यों किया गया होगा, ड्यू टू कोरोना। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन, जिसे रेस कहा जाता है, जो 11 से 12 अप्रैल 2020 के आयोजित किया के बीच में आयोजित किया जाना था, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 तक के लिए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थगित कर दिया गया है। रेस का पूर्ण रूप सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत मिशन के तहत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को 21 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 3,395 करोड़ का खर्च आवंटित किया गया था। भारत सरकार ने 12,500 केंद्रों को शुरू करने की योजना बनाई और इसका निर्माण 5 वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने उत्तरी सिक्किम के पास तीस्ता नदी पर एक पुल खोल दिया है। सीमा सड़क संगठन 21 मार्च 2020 को तीस्ता नदी पर 360 फीट लंबे वेली निलंबन पुल की यात्रा के लिए खोला गया है। पुल से उत्तरी सिक्किम में लाचेन के निवासियों को राहत मिलेगी। पुल का निर्माण चुंगथांग शहर के मुंशी थांग में 758 सीमा सड़क कार्यबल के 86 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमा सड़क संगठन ने उत्तरी सिक्किम के पास तीस्ता नदी पर कौन से गांव में एक 360 मीटर लंबा जो है पुल खोल दिया है? तो मुंशी थांग जिले में या गांव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2020, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को 1993 के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के विभिन्न संगठनों के साथ मनाया जाता है। ये मीठे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। बस 2020 के लिए विश्व जल दिवस का विषय जल और जलवायु परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट पीटरलैंड्स के महत्व को रेखांकित करती है। यूएन के द्वारा हाल ही में पीटरलैंड सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कार्बन उत्सर्जन के खतरों को उजागर किया गया है क्योंकि वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पीटरलैंड आर्द्रभूमि का एक रूप है जो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है। पीटलैंड पीट मिट्टी और आर्द्रभूमि हैबिटेट के गठन का उल्लेख करता है जो इसकी सतह पर बढ़ता है। वर्तमान में पीटलैंड पृथ्वी की सतह का लगभग 3% ही कवर करता है। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की जिसमें हम सार को डिस्कस करने वाले हैं। सार को हिंदी में तो अभी हमने बता ही दिया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, दक्षेस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मुख्यालय काठमांडू में है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर सार्क की पूछ लिया है तो इंग्लिश है। महासचिव जो है वो है अजमत वी हुसैन, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ओके, स्थापना जो हुई 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी जो 8 दिसंबर पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैरा है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो जनसंख्या है 1.5 अरब है। यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था। अब नेपाल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नेपाल की कैपिटल आप सभी को पता काठमांडू है। करेंसी वहाँ की रुपया है। राष्ट्रपति वहाँ पर हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं खड्गा प्रसाद ओली या केपी ओली। ओके, सैन्य अभ्यास एक होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो कि भारत और नेपाल के मध्य में होता है। अब स्टेट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं केरला को। केरला की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो वो होती है तिरुवनंतपुरम। सबसे बड़ा शहर भी जो है तिरुवनंतपुरम है। ज़िले यहाँ पर 14 हैं। राजभाषा यहाँ की मलयालम है। ओके, मलखम यहाँ का नृत्य होता है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल जो हैं वो हैं ये पी सथाशिवम नहीं है, ये गलत लिख गया है, तो यहाँ पे आपको रखना है आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो यहाँ पर राज्यपाल हैं। पिनाराय विजयन जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की जो सीट हैं वो हैं 20 सीट। अब बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरला में है। अब ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इराविकुलम नेशनल पार्क मुख्य रूप से नीलगाय तरा या हीमोट्रेगस हाइलोक्रिकस के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। केरल के पश्चिमी छोर पर कुंडलई हिल्स पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ और शेर, पूंछ बानर जैसे जीवों के साथ साथ कई दुर्लभ किस्मों की औषधि और पेड़ों के कारण ये पार्क प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो पेरियार नदी भी है वहाँ पर और पेरियार नदी पर ही मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है केरल के अंदर। पिन वैली भी केरल में ही मिलेगी आपको। केरल के पश्चिमी छोर पर पेरियार नेशनल पार्क है। यह मुख्य तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक नेशनल पार्क है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, बाघ और तेंदुओं के लिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह बांदीपुर नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। इडुक्की नेशनल पार्क की बात करेंगे तो केरल के दक्षिण भारतीय राज्य में बसा यह सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। इडुक्की नेशनल पार्क वो जो वन्य जीवों के लिए मुख्य तौर पर माना जाता है। यहाँ बाघ, हाथी, भैंस, भालू, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते, बिल्लियाँ आदि बड़े बड़े झुंडों में घूमते नजर आते हैं। इस पार्क में जंगली फाउल, काली बुलबुल, लाफिंग थ्रश, कठफोड़वा, मैना आदि महत्वपूर्ण पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सांपों की अनेक प्रजातियाँ जैसे कोबरा, बाइपर, क्रेट, कई विष रहित सांप भी पाए जाते हैं। अब स्टैटिक जीके में हम डिस्कस करेंगे यूनिसेफ को।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। अध्यक्ष एन बेनेमन है, मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है। हेड अगर पूछ लिया जाए तो हेनरीटा एच फोर जो है यूनिसेफ के हेड हैं। स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को हुई, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, लगना यूनिसेफ की स्थापना आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पर डे, तो हम आज भी वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। संविधान के भाग एक किस से संबंधित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन है बहुत ईजी पर कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 61 जो है किस से संबंधित? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संविधान अनुच्छेद 61 जो है संबंधित है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी जी। नीति निदेशक तत्व तो किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। देश में आपातकाल की उद्घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 352 के तहत की जाती है। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए। जर्मनी कैपिटल होती है बर्लिन और भागी करेंसी होती है यूरो। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ओके, आप हमारी आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है आप उसे मेंशन कर सकते हैं और उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। आप हमारे टिकटॉक हेलो ऐप पर भी फॉलो करें। आप हमें टेलीमोशन शेयर चैट या ट्विटर पर यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारे क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खबरी ऐप पर आपको विजिट करना है। और अगर आपके मोबाइल में खबरी ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। 2 से 3, 4, 5 MB का है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे इंस्टॉल कीजिए। वहाँ से तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और वहाँ फॉलो भी करें और ऑडियो रिविज़न करें, उससे कई फ़ायदे होंगे। आप यहाँ वीडियो देखेंगे फिर वहाँ पर ऑडियो रिविज़न करेंगे तो 10 times बेटर लर्न हो जाएगा। फिर PDF से आप नोट करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप ही का बेनिफिट है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सपनों का इतना अच्छे से ख्याल रखिए, प्रयास करते रहिए, ठहरिएगा नहीं। और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।